हाय एवरीवन, आप सबका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजी ओपन स्कूल या सीजी ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स का दोस्तों रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, और इसके बारे में पूरा अच्छा से डिटेलिंग करूंगा। और मैं बता दूं कि 90+ मार्क्स पक्का आएगा। मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपका 90+ मार्क्स 100% गेन करेंगे आप, ठीक है। और दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आपको पेपर किस तरीके से चेक हो रहा है और कैसे चेक हो रहा है, तो पूरे डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स का दोस्तों 100% इस बार मैं बोल सकता हूँ कि ये दो शर्तें होंगी, अगर आपने जिसको फॉलो किया होगा तो आपका 90+ मार्क्स 100% आएगा। दोस्तों, मैं बता दूँ कि जिन्होंने अपना आंसर सटीक लिखा है और जिन्होंने अगर कोई भी प्लेटफॉर्म से लिखे हों, बट आपका आंसर सटीक होना चाहिए। अगर आपने आंसर सटीक लिखा है तो पक्का बता रहा हूँ मैं, 90+ मार्क्स 100% आ गए इस बार आपका। क्योंकि जिस दोस्तों आपने देखा है 12th रेगुलर वालों को कितना अच्छा परसेंटेज लाए हैं उन्होंने, ठीक है, तो ऐसे ही आपका आएगा। और मैं बता दूँ दोस्तों, क्लास 10th और 12th के रिजल्ट की बात करें ओपन स्कूल का दोस्तों, तो क्लास 10th एंड 12th का जो रिजल्ट है दोस्तों ओपन स्कूल का, वो 31 जुलाई के आसपास या फिर दोस्तों 31 जुलाई को नहीं आता है आपका रिजल्ट, तो अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास दोस्तों आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। 31 जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक, इस गैप में दोस्तों आपका रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि सीबीएसई ने दोस्तों आज अपना 2 बजे रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है बोर्ड का। सो फाइनली मेरे को लग रहा है दोस्तों कि ऐसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट करने के कारण से राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर बना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो चुका है कुछ राज्यों को छोड़ करके। और एक चीज़ भी है दोस्तों, कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों, 1 अगस्त से कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, किसी भी ओपन स्कूल का स्टूडेंट जो 12th पास आउट करके कॉलेज में जाना चाहता है दोस्तों और उसका रिजल्ट हाथ में ही नहीं है, तो एडमिशन कैसे लेगा, ये मेन मुद्दा यहाँ पर उठता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से लग रहा है कि कल 31 जुलाई को या आज ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, सडनली इवनिंग तक ऑफिशियल नोटिस आ जाए और कल आपका रिजल्ट निकल जाए ओपन स्कूल का, ऐसा भी हो सकता है। अगर कल तक नहीं आता आपका रिजल्ट, तो अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं बता दूँ आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। 1 अगस्त से कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट होना दोस्तों। इसमें एक चीज़ और हो रहा है दोस्तों, इस दौर में कि सीजी ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, और कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए दोस्तों पीछे हो जाएंगे। तो इस दौर पे माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है कि वो जल्द से जल्द ओपन स्कूल का दोस्तों रिजल्ट तैयार करे। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था दोस्तों, जैसे कि 12th रेगुलर वालों का जो रिजल्ट आने में 1.5 महीने का समय लगा था, वैसे ही आप लोग का भी लग सकता है। तो फाइनली वही समय हो रहा है दोस्तों, अगस्त के एक वीक में अगर 31 जुलाई को नहीं आता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आ सकता है फाइनली। तो मैं बता दिया यहीं पर। और मैं बता दूं दोस्तों, आपके कॉपी कैसे चेक हो रहे हैं, तो आपके कॉपी दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले जो टीचर हैं वो इंग्लिश मीडियम के ओपन स्कूल के जो स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी हिंदी मीडियम ओपन स्कूल के जो टीचर हैं वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट कॉपी चेकिंग की बात करें, तो अभी 12th रेगुलर वालों का जैसा हो रहा था, जैसे निर्णय लिया गया था कि टीचर घर में जाकर के चेक करेंगे, समथिंग ऐसा ही पैटर्न अपनाया जा रहा होगा मेरे ख्याल से दोस्तों, क्योंकि इस पर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, ना ही कोई ऑफिशियल यहाँ पर न्यूज़ में खबरें आई थी। और यहाँ पर अभी यही चीज़ है दोस्तों कि 10th और 12th का जो है अभी कोई सुर्खियों में नहीं आ रहा है, यही मेजर फैक्टर हो रहा है कि कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कब आएगा। दोस्तों, अगर आप कहीं भी कोई भी अधिकारी से पूछने जाएंगे तो वो आपको फिक्स डेट नहीं बता पाएगा कि कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिजल्ट में, तो इस कारण से टाइम हो ही जाता है। तो मैं बताया दोस्तों आपको, 31 जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस आप लोग का बहुत पीछे हो जाएगा ओपन बोर्ड वालों का। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल बहुत ही कोशिश कर रहा है कि दोस्तों आपका भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आ सके, ताकि आप भी जल्दी से अपने कॉलेज में और क्लास 11th में एडमिशन करवा सकें। तो दोस्तों, ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा वीडियो यार, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। डेली एजुकेशन जो हमारे इसी चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको नॉलेज मिल पाता है और वो कन्फ्यूज नहीं होते। तो मैंने बता दिया आप लोग को दोस्तों पूरा डिटेल, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आपको कोई कन्फर्म एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका जो न्यूज़ है वो अभी कोई नोटिस भी नहीं आया, ऑफिशियल नोटिस ना ही कुछ है। तो बस इस वीडियो में मेरे को इतना बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।